हम बात कर रहे हैं आइडिया की, वोडाफोन आइडिया की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 1%, लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 15 रुपये का लेवल स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद सेलिंग देखिए किस तरह से आई है। 15 रुपये का सपोर्ट ब्रेक डाउन, फिर जो था नेक्स्ट 12 रुपये का मेजर सपोर्ट था जहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर एक बड़ा जम भी दिखाया था, इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया और उसके बाद 10 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया। लगातार बड़ी सेलिंग आइडिया में देखने के लिए मेरे बड़ी गिरावट। तो अब जो यहाँ इंटर हुए होंगे, यहाँ इस लेवल पर इंटर हुए होंगे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, वो अब फंस गए यहाँ पर। क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, मुझे नहीं लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। न्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करता है आइडिया, जैसे ही न्यूज़ निकल के आती है पॉजिटिव या निगेटिव आइडिया में हमको इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, न्यूज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो अब देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर स्टॉक ने जहाँ सपोर्ट लिया है, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इसी एरिया में हमको सपोर्ट लेता नज़र आया था, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता नज़र आया था। इसका तगड़ा सपोर्ट है अब 10 रुपये का लेवल, 9.80 रुपये 10 रुपये का जो लेवल है मेजर सपोर्ट है आइडिया का। इस सपोर्ट को कम से कम ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, 9.80 रुपये 10 रुपये का जो सपोर्ट है ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर उसके बाद और गिरावट दिखा सकता है, 8 रुपये तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से स्टॉक रिकवरी दिखाता है तो जहाँ पहले सपोर्ट ले रहा था 12 रुपये का लेवल, यहाँ तक का जम दिखा सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी से ही इसमें ट्रेड करना है, आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप रिस्क मैनेज करना जानते हो। वैसे हम बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं देते हैं। तो 12 रुपये यहाँ से टारगेट दिखा सकता है, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा 12 रुपये का लेवल, और 12 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा और अपसाइड के लिए। अगर 12 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है 2-4 दिन तो फिर ऐसी सिचुएशन में और अपसाइड आइडिया दिखाता नज़र आ सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिला है तो इसके मोमेंटम पर इस वक्त नज़र रख के चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।